छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय प्रथम खंड राजा जानश्रुति और रैकव का उपाख्यान। जो श्रद्धापूर्वक देने वाला एवं बहुत दान करने वाला था और जिसके यहाँ दान करने के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था, ऐसा कोई जनश्रुत के कुल में उत्पन्न हुआ उसके पुत्र का पौत्र था। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, सर्वत्र निवास स्थान धर्मशालाएं बनवा दिए थे। उसी समय एक दिन रात्रि में उधर से हंस उड़कर गए। उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, अरे ओ भल्लाक्ष, देख जानश्रुति पौत्रायण का तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है, तू उसका स्पर्श न कर, वह तुझे भस्म न कर डाले। उससे दूसरे अग्रगामी हंस ने कहा, अरे तू किस महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है? क्या तू इसे गाड़ी वाले रैकव के समान बतलाता है? इस पर उसने पूछा, यह जो गाड़ी वाला रैकव है कैसा है? जिस प्रकार धूत क्रीड़ा में कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उससे निम्न श्रेणी के सारे पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस रैकव को प्राप्त हो जाता है। जो बात यह रैकव जानता है उसे जो कोई भी जानता है उसके विषय में भी मुझसे यह कह दिया गया। इस बात को जानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही उसने सेवक से कहा, अरे भैया तू गाड़ी वाले रैकव के समान मेरी स्तुति क्या करता है? इस पर सेवक ने पूछा, यह जो गाड़ी वाला रैकव है कैसा है? राजा ने कहा, जिस प्रकार कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उसके निम्नवर्ती समस्त पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रैकव को जो कुछ भी प्रजा सत्कर्म करती है वह सब प्राप्त हो जाता है, तथा जो कुछ वह रैकव जानता है उसे जो कोई जानता है वह भी इस कथन द्वारा मैंने बतला दिया। वह सेवक उसकी खोज करने के अनंतर मैं उसे नहीं पा सका, ऐसा कहता हुआ लौट आया। तब उससे राजा ने कहा, अरे जहां ब्राह्मण की खोज की जाती है वहां उसके पास जा। उसने एक छकड़े के नीचे खाज खुजलाते हुए रैकव को देखा। वह रैकव के पास बैठ गया और बोला, भगवन क्या आप ही गाड़ी वाले रैकव हैं? रैकव ने कहा, अरे हाँ मैं ही हूं, ऐसा कहकर स्वीकार किया। तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है लौट आया। छांदोग्य उपनिषद द्वितीय खंड जानश्रुति का रैकव के पास उपदेश के लिए जाना। तब वह जानश्रुति पौत्रायण 600 गौएं, एक हार और एक खच्चरियों से जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला, रैकव ये 600 गौएं, यह हार और यह खच्चरियों से जुता हुआ रथ मैं आपके लिए लाया हूं, आप इस धन को स्वीकार कीजिए और भगवन आप मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए जिसकी आप उपासना करते हैं। उस रैकव ने कहा, अरे शूद्र गौओं के सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे। तब वह जानश्रुति पौत्रायण 1,000 गौएं, एक हार, खच्चरियों से जुता हुआ रथ और अपनी कन्या, इतना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे बोला, रैकव ये 1,000 गौएं, यह हार, यह खच्चरियों से जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि आप रहते हैं स्वीकार कीजिए और भगवान मुझे अवश्य उपदेश कीजिए। तब उस राज कन्या के मुख को ही विद्या ग्रहण का द्वार समझते हुए रैकव ने कहा, अरे शूद्र तू ये गौएं आदि लाया है सो ठीक है, तू इस विद्या ग्रहण के द्वार से ही
मुझसे भाषण कराता है। इस प्रकार जहां वह रैकव रहता था वहां रैकवपर्ण नामक ग्राम महावृष देश में प्रसिद्ध है। तब उसने उससे कहा, तृतीय खंड, वायु और प्राण की उपासना। वायु ही सवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो वायु में ही लीन होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लीन होता है। और जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु में ही लीन हो जाता है। जिस समय जल सूखता है वह वायु में ही लीन हो जाता है। वायु ही इन सब जलों को अपने में लीन कर लेता है। यह अधिदैवत दृष्टि है। अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। प्राण ही सवर्ग है। जिस समय यह पुरुष सोता है प्राण को ही वाक इंद्रिय प्राप्त हो जाती है, प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत और प्राण को ही मन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सबको अपने में लीन कर लेता है। वे ये दो ही सवर्ग हैं, देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण। एक बार कपि गोत्रज शौनक और कक्ष सेन के पुत्र अभिप्रतारी से, जबकि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी, किंतु उन्होंने उसे भिक्षा नहीं दी। तब उसने कहा, भुवनों के रक्षक उस एक देव प्रजापति ने चार महात्माओं को ग्रस लिया है। कापेय, अभिप्रतारिन, मनुष्य अनेक प्रकार से निवास करते हुए उस एक देव को नहीं देखते, तथा जिसके अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए भगवान के लिए यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया। उस वाक्य का कपि गोत्र में उत्पन्न शौनक ने मनन किया और फिर उस ब्रह्मचारी के पास आकर कहा, जो देवताओं का आत्मा, प्रजाओं का उत्पत्ति करता, हिरण दृष्ट, भक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा कही गई है, जो स्वयं दूसरे से न खाया जाने वाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, ब्रह्मचारिन, उसी की हम उपासना करते हैं। ऐसा कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस ब्रह्मचारी को भिक्षा दो। तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वे ये अग्न्याद आदि और वायु पांच वाग आदि से अन्य हैं, तथा इनसे वाग आदि और प्राण ये पांच अन्य हैं। इस प्रकार ये सब दस होते हैं। ये दस कृत कृत नामक पासे से उपलक्षित द्यूत हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं में ये अन्न ही दस कृत हैं। यह विराट ही अन्न आदि अन्न भक्षण करने वाला है। उसके द्वारा यह सब देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करने वाला होता है। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ खंड, ज्वालापुत्र सत्यकाम द्वारा गुरु के आज्ञा का पालन। ज्वाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता ज्वाला को संबोधित करके निवेदन किया, पूज्य, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में निवास करना चाहता हूं, बता मैं किस गोत्र वाला हूं। उसने उससे कहा, हे बेटा, तू जिस गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती। युवा अवस्था में, जबकि मैं बहुत कार्य करने वाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। मैं तो ज्वाला नाम वाली हूं और तू सत्यकाम नाम वाला है। अतः तू अपने को सत्यकाम जावाल बतला देना। उसने हरिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा, मैं पूज्य श्रीमान के यहां ब्रह्मचारी पूर्वक वास करूंगा, इसी से आपकी सन्निधि में आया हूं। उसने गौतम ने कहा, सौम्य, तू किस गोत्र वाला है? उसने कहा, भगवन, मैं जिस गोत्र वाला हूं उसे नहीं जानता। मैंने माता से पूछा था, उसने मुझे यह उत्तर दिया कि युवा अवस्था में, जबकि मैं बहुत काम धंधा करने वाली परिचारिणी थी,
मैंने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। मैं ज्वाला नाम वाली हूँ और तू सत्यकाम नाम वाला है। अतः गुरु, मैं सत्यकाम जावाल हूँ। उसने गौतम से कहा, ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता। अतः सौम्य, तू समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूंगा, क्योंकि तूने सत्य का त्याग नहीं किया। तब उसका उपनयन कर 400 कृश और दुर्बल गौएं अलग निकालकर उसने कहा, सौम्य, तू इन गौओं के पीछे जा। उन्हें ले जाते समय उसने कहा, इनकी 1000 गायें हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा। जब तक कि वे 1000 हुई, वह बहुत वर्षों तक वन में ही रहा। छांदोग्य उपनिषद 5वां खंड। सत्यकाम को वृषभ द्वारा ब्रह्म के एक पाद का उपदेश। तब उससे सांड ने सत्यकाम ऐसा कहा। उसने भगवन ऐसा उत्तर दिया। वह बोला, हे सौम्य, हम 1000 हो गए हैं, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। सांड ने कहा, क्या मैं तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊं? तब सत्यकाम ने कहा, भगवन मुझे अवश्य बतलावें। सांड उससे बोला, पूर्व दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला, हे सौम्य, यह ब्रह्म का प्रकाशवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। वह जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की प्रकाशवान इस गुण से युक्त उपासना करता है, इस लोक में प्रकाशवान होता है और प्रकाशवान लोकों को जीत लेता है। छांदोग्य उपनिषद 6वां खंड। अग्नि द्वारा द्वितीय पाद का उपदेश। अग्नि तुझे दूसरा पाद बतलावेगा, ऐसा कहकर वृषभ मौन हो गया। दूसरे दिन उसने गौओं को गुरुकुल की ओर हाँक दिया। वे सायंकाल में जहां एकत्रित हुई, वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गौओं को रोक समिधा धान कर अग्नि के पश्चिम पूर्व भिमुख होकर बैठ गया। उससे अग्नि ने सत्यकाम ऐसा कहा। तब उसने भगवन ऐसा प्रतिउत्तर दिया, सौम्य, मैं तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊं। अग्नि ने कहा। तब सत्यकाम ने कहा, भगवन मुझे अवश्य बतलावें। तब उसने उससे कहा, पृथ्वी कला है, अंतरिक्ष कला है, द्युलोक कला है और समुद्र कला है। सौम्य, यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद अनंतवान नाम वाला है। वह जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की अनंतवान इस गुण से युक्त उपासना करता है, इस लोक में अनंतवान होता है और अनंतवान लोकों को जीत लेता है। छांदोग्य उपनिषद 7वां खंड। हंस द्वारा तृतीय पाद का उपदेश। हंस तुझे तीसरा पाद बतलावेगा, ऐसा कहकर अग्नि निवृत्त हो गया। दूसरे दिन उसने गौओं को आचार्य कुल की ओर हाँक दिया। वे सायंकाल में जहां एकत्रित हुई, वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर गौओं को रोक और समिधा धान कर अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा। तब हंस ने उसके समीप उतरकर कहा, सत्यकाम। उसने उत्तर दिया, भगवन। हंस ने कहा, सौम्य, मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊं। सत्यकाम बोला, भगवन मुझे बतलावें। तब वह उससे बोला, अग्नि कला है, सूर्य कला है, चंद्रमा कला है और विद्युत कला है। सौम्य, यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद ज्योतिष्मान नाम वाला है। जो कोई इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को ज्योतिष्मान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है,
वह इस लोक में ज्योतिष्मान होता है और ज्योतिष्मान लोकों को जीत लेता है। छांदोग्य उपनिषद अष्टम खंड मुद्गु द्वारा चतुर्थ पाद का उपदेश। मुद्गु तुझे चौथा पाद बतलावेगा, ऐसा कहकर हंस चला गया। दूसरे दिन उसने गौओं को गुरुकुल की ओर हाँक दिया। वे सायंकाल में जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गायों को रोक समिधा धान कर अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। मुद्गु ने उसके पास उतरकर कहा, सत्यकाम। तब उसने उत्तर दिया, भगवन। मुद्गु बोला, सौम्य, मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊं। सत्यकाम बोला, भगवन मुझे अवश्य बतलावें। वह उससे बोला, प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत कला है और मन कला है। सौम्य, यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद आयतनवान नाम वाला है। वह जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की आयतनवान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है, इस लोक में आयतनवान होता है और आयतनवान लोकों को जीत लेता है। छांदोग्य उपनिषद नवम खंड सत्यकाम का आचार्य से पुनः उपदेश ग्रहण। सत्यकाम आचार्य कुल में पहुंचा। उससे आचार्य ने कहा, सत्यकाम। तब उसने उत्तर दिया, भगवन। सौम्य, तू ब्रह्म वेत्ता सा दिखलाई दे रहा है, तुझे किसने उपदेश दिया है? ऐसा आचार्य ने पूछा। तब उसने उत्तर दिया, मनुष्यों से भिन्न देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है। अब मेरी इच्छा के अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्या का उपदेश करें। मैंने श्रीमान जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। तब आचार्य ने उसे उसी विद्या का उपदेश किया। उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं हुआ, अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही। छांदोग्य उपनिषद दशम खंड उपकोसल को अग्नियों द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। उपकोसल नाम से प्रसिद्ध कमल का पुत्र सत्यकाम जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था। उसने 12 वर्ष तक उस आचार्य के अग्नियों की सेवा की, किंतु आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का तो समावर्तन संस्कार कर दिया, किंतु केवल इसी का नहीं किया। आचार्य से उसकी भार्या ने कहा, यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियों की सेवा की है, देखिए अग्नियां आपकी निंदा न करें, अतः इसे विद्या का उपदेश कर दीजिए। किंतु वह उसे उपदेश किए बिना ही बाहर चला गया। उस उपकोशल ने मानसिक खेद से अनशन करने का निश्चय किया। उससे आचार्य पत्नी ने कहा, अरे ब्रह्मचारिन, तू भोजन कर, क्यों नहीं भोजन करता? वह बोला, माताजी, इस मनुष्य में अनेक ओर जाने वाली बहुत सी कामनाएं रहती हैं, मैं व्याधियों से परिपूर्ण हूं, इसलिए भोजन नहीं करूंगा। फिर अग्नियों ने एकत्रित होकर कहा, यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है, इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अच्छा हम इसे उपदेश करें। ऐसा निश्चय कर वे उससे बोले, प्राण ब्रह्म है, को ब्रह्म है, खो ब्रह्म है। वह बोला, यह तो मैं जानता हूं कि प्राण ब्रह्म है, किंतु को और खो को नहीं जानता। तब वे बोले, निश्चय जो को है वही खो है, और जो खो है वही को है। इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके आश्रयभूत आकाश का उपदेश किया। छांदोग्य उपनिषद एकादश खंड अकेले ग्रहपत्य अग्नि द्वारा शिक्षा। फिर उसे ग्रहपत्य अग्नि ने शिक्षा दी।
पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्य के अंतर्गत जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। अग्नि लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती पुरुष क्षीर्ण नहीं होते। तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद द्वादश खंड। अनवाहार्य पचन नामक दूसरे अग्नि द्वारा शिक्षा। फिर उसे अनवाहार्य पचन ने शिक्षा दी। जल, दिशा, नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे चार शरीर हैं। चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इन चार भागों में विभक्त अग्नि की उपासना करता है पाप कर्मों का नाश कर देता है, लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है और उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उसके पीछे होने वाले पुरुष क्षीर्ण नहीं होते। तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है हम उसका इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद त्रयोदश खंड। आहवनीय अग्नि द्वारा शिक्षा। तदंतर उसे आहवनीय अग्नि ने उपदेश किया। प्राण, आकाश, द्युलोक और विद्युत ये मेरे चार शरीर हैं। यह जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इन चार भागों में विभक्त अग्नि की उपासना करता है पाप कर्म को नष्ट कर देता है, लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है तथा उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसके पश्चातवर्ती पुरुष क्षीर्ण नहीं होते। तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद चतुर्दश खंड। आचार्य और उपकौशल का संवाद। उन्होंने कहा, उपकौशल, सौम्य, यह अपनी विद्या और आत्मविद्या तेरे प्रति कही। आचार्य तुझे इनके फल की प्राप्ति का मार्ग बतलाएंगे। तदंतर उसके आचार्य आए। उससे आचार्य ने कहा, उपकौशल, उसने भगवन ऐसा उत्तर दिया। आचार्य बोले, सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के समान जान पड़ता है, तुझे किसने उपदेश किया है? गुरुजी, मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा। फिर अग्नियों की ओर संकेत करके बोला, निश्चय इन्हीं ने उपदेश किया है जो अन्य प्रकार के थे और अब ऐसे हैं। ऐसा कहकर उसने अग्नियों को बतलाया। तब आचार्य ने पूछा, सौम्य, इन्होंने तुझे क्या बतलाया है? तब उसने यह बतलाया है, ऐसा कहकर उत्तर दिया। इस पर आचार्य ने कहा, हे सौम्य, इन्होंने तो तुझे केवल लोगों का ही उपदेश किया है, अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जानने वाले से पाप कर्म का उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल पत्र से जल का संबंध नहीं होता। वह बोला, भगवान, मुझे बतलावें। तब आचार्य उससे बोले, छांदोग्य उपनिषद पंचदश खंड। आचार्य द्वारा उपदेश, ब्रह्मवेत्ता की गति का वर्णन। यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है, ऐसा उसने कहा। यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। उस पुरुष के स्थान रूप नेत्र में यदि घृत या जल डालें तो वह पलकों में ही चला जाता है। इसे सैद्वाम ऐसा कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं
सब ओर से इसी को प्राप्त होती हैं। जो इस प्रकार जानता है उसे संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से प्राप्त होती हैं। यही वामनी है, क्योंकि यही संपूर्ण वामों का वहन करता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों को वहन करता है। यही भामिनी है, क्योंकि यही संपूर्ण लोकों में भासमान होता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण लोकों में भासमानी होता है। अब श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ता की गति बतलाती है। इसके लिए शव कर्म करें अथवा न करें, वह अर्ची अभिमानी देवता को ही प्राप्त होता है। फिर अर्ची अभिमानी देवता से दिवस अभिमानी देवता को, दिवस अभिमानी से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता को, और शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से उत्तरायण के 6 मासों को प्राप्त होता है। मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। वहां से अमानव पुरुष इसे ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देव मार्ग ब्रह्म मार्ग है। इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में नहीं लौटते, नहीं लौटते। छांदोग्य उपनिषद षोडश खंड, पवन की यज्ञ रूप में उपासना। यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय ही इस संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त संसार को पवित्र कर देता है। इसलिए यही यज्ञ है। मन और वाक ये दोनों इसके मार्ग हैं। इनमें से एक मार्ग का ब्रह्मा मन के द्वारा संस्कार करता है, तथा होता, अर्धवर्यु और उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं। यदि प्रातर्नुवाक के आरंभ हो जाने पर परिधानिया ऋचा के उच्चारण से पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवल एक मार्ग का ही संस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पैर से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इसका यज्ञ भी नाश को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के नष्ट होने के पश्चात यजमान का नाश होता है। इस प्रकार का यज्ञ करने पर वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि प्रातर्नुवाक का आरंभ होने के अनंतर परिधानिया ऋचा से पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो समस्त ऋत्विक मिलकर दोनों ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं, तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष अथवा दोनों पहियों से चलने वाला रथ स्थित रहता है, उसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है। यज्ञ के स्थित रहने पर यजमान भी स्थित रहता है। वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है। छांदोग्य उपनिषद सप्तदश खंड, यज्ञ में योग्य ब्रह्मा की आवश्यकता। प्रजापति ने लोकों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया। उन तप किए जाते हुए लोकों से उसने रस निकाले। पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और द्युलोक से आदित्य को निकाला। फिर उसने इन 3 देवताओं को लक्ष्य करके तप किया। उन तप किए जाते हुए देवताओं से उसने रस निकाले। अग्नि से ऋक, वायु से यजु और आदित्य से साम ग्रहण किए। तदंतर उसने इस 3 विद्या को लक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्या से उसने रस निकाले। ऋक श्रुतियों से भू, यजु श्रुतियों से भूवः तथा साम श्रुतियों से स्वः, इन रसों को ग्रहण किया। उस यज्ञ में यदि ऋक श्रुतियों के संबंध से छत होता है तो भू स्वहा, ऐसा कहकर ग्रहपत्य अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह ऋचाओं के रस से,
ऋचाओं के वीर्य द्वारा ऋक संबंधी यज्ञ के छत की पूर्ति करता है, और यदि यजु श्रुतियों के कारण छत हो तो भुवः स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणाग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह यजुओं के रस से यजुओं के वीर्य द्वारा यज्ञ के यजु संबंधी छत की पूर्ति करता है, और यदि साम श्रुतियों के कारण छत हो तो स्वह स्वाहा ऐसा कहकर आहवनीय अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह साम के रस से साम के वीर्य द्वारा यज्ञ के साम संबंधी क्षति की पूर्ति करता है। इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लवण क्षार से सुवर्ण को, सुवर्ण से चांदी को, चांदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को, सीसे से लोहे को और लोहे से काष्ठ को अथवा चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार इन लोक देवता और त्रयी विद्या के वीर्य से यज्ञ के छत का प्रतिसंधान किया जाता है। जिसमें इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो औषधियों द्वारा संस्कृत होता है। जहाँ इस प्रकार जानने वाला ब्रह्म होता है वह यज्ञ उदक प्रवण होता है। इस प्रकार जानने वाले ब्रह्मा के उद्देश्य से ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहाँ जहाँ कर्म आवृत होता है वहीं वह पहुँच जाता है। एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक है। जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी योद्धाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान और अन्य समस्त ऋतुजों की भी सब ओर से रक्षा करता है। अतः इस प्रकार जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावें, ऐसा न जानने वाले को नहीं, ऐसा न जानने वाले को नहीं।